सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल से निकल रहे जहरीले नाले को भूमिगत करने एवं बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की मांग को लेकर आज भारतीय चैतन्य बोग संघ के कार्यकर्ताओं ने सेंचुरी पेपर मिल के मुख्य गेट पहुंचकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने ने मौजूद अधिकारियों को मिल प्रबंधन के एक नाम ज्ञापन सौंपकर तत्काल नाले को भूमिगत करने की मांग की, जिस पर मौजूद अधिकारियों ने आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। बताते चले कि लालकुआ सहित बिंदुखता के तमाम क्षेत्र सेंचुरी पेपर मिल द्वारा निकलने वाले प्रदूषण से प्रभावित है, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में लोग गंभीर बीमारी का शिकार भी हो चुके हैं। इसी को लेकर आज भारतीय चैतन्य बोग संघ के अध्यक्ष नवीन पंत नाभाजी दास के नेतृत्व में एक दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए कार रोड स्थित शहीद स्मारक पर सेंचुरी पेपर मिल प्रबंधन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया तथा सेंचुरी मिल के मुख्य गेट पहुंचकर मौजूद अधिकारियों को मिल प्रबंधन के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने कहा कि बिंदुखता क्षेत्र के लोग लंबे समय से सेंचुरी से निकलने वाले जहरीले नाले से पीड़ित हैं। इतना ही नहीं, लगभग हर घर में एक सदस्य गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। बावजूद इसके प्रभावित क्षेत्रों में सेंचुरी प्रबंधन द्वारा न तो कोई कार्रवाई की है और न ही नाले को भूमिगत करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। यह है जो स्थानीय बेरोजगार हैं उन लोग को रोजगार मिले। सेंचुरी जो है उसने पहले ही लिख के दिया है कि 70% हम स्थानीय युवाओं को बेरोजगार को रोजगार देंगे, लेकिन इसमें कोई सुनवाई नहीं है। ये बाहर के लोगों को यहाँ पर नौकरी मिलती है, बेरोजगार यहाँ के स्थानीय बेरोजगार जो हैं उनको नौकरी नहीं मिलती है, वो लोग बेरोजगार हैं और उन वो गलत कामों में बाध्य हैं। आज युवा नशा क्यों करता है, पढ़ा लिखा युवा जो है गलत काम क्यों करता है, क्योंकि उसको रोजगार की तलाश में रोजगार नहीं मिलता और इसलिए वो गलत काम में वो होता है। यही है कि आप जो हैं स्थानीय युवाओं को रोजगार दीजिए, 70% जो है आपका उसमें स्थानीय युवाओं को, ताकि यहाँ के जो युवा हैं पढ़े लिखे युवा या फिर जो भी युवा हैं उनको रोजगार मिले। परमिशन अगर वो हमारे बेरोजगारों को इस बारे में अगर वो नहीं कदम उठाते हैं, यहाँ के युवाओं को बेरोजगार को रोजगार के मामले में अगर वो नहीं आगे आते, नहीं रोजगार देते हैं। और दूसरा हमारा है ये सेंचुरी का जो ये गंदा नाला बह रहा है, ये बहुत ही प्रदूषण, इससे बिंदुखत्ता में कई बीमारियाँ हो रही हैं इससे, और इससे बहुत ही प्रदूषित नाला है ये। अगर ये अगर इसको भूमिगत नहीं करते और ये बेरोजगार नहीं देते तो हम जो युवा हैं तो ये उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और इसमें धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन के लिए इसमें बाध्य होना पड़ेगा। 3 तारीख तक का यहाँ पे उनको बताया है, समय दिया है, 3 तारीख तक का हमें प्रशासन को समय दिया है। और अभी कोरोना काल के वजह से सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए प्रयास कर रहे थे कि कम